लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है और परिवार को बीमा राशि भी नहीं मिली है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, शहीद अग्निवीर अजय कुमार जी के परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजे और बीमा में फर्क होता है तथा शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लिए जान देने वाले हर शहीद के परिवार का आदर किया जाना चाहिए, पर मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार कुछ भी कहे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मैं इसे उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कभी कमजोर नहीं होने देगा। सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया में पोस्ट में करते हुए कहा कि दावों को खारिज किया हूं। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। सेना ने कहा कि परिवार को देय राशि में 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसने स्पष्टीकरण में कहा गया कि कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। यह स्पष्टीकरण राहुल गांधी द्वारा एक्स पर अजय के पिता का एक वीडियो साझा करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में संसद के भीतर झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को संसद, देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।